हम लोगों की पूरी कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में कांग्रेस सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सब गलत बात है। देखिए हम उसके नहीं नहीं आप ये पूछ देते हैं आप लोग हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं उसके इच्छुक भी नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी और अगर 130 करोड़ लोग मिल जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यही हासिल करने के लिए मैंने ऐलान किया था कि मैं पूरे देश की यात्रा करूंगा, मैं हर राज्य में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा और लोगों को इस मूवमेंट से, इस आंदोलन से, इस कैंपेन से जोड़ने की कोशिश करूंगा। कल मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने जन्म स्थान पर जा रहा हूँ, हरियाणा में हिसार में। मैं हिसार में पैदा हुआ था, हिसार में एक गांव है हिसार के पास सिवानी, वहां पे पैदा हुआ था। हिसार से मैं अपनी इस शुभ यात्रा का, पवित्र यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। शॉर्टकट अपनाने वालों को कुछ समय के लिए वाहवाही भले मिल जाए, राजनीतिक फायदा भले हो जाए, लेकिन समस्या कम नहीं होती। इसलिए ही मैं कहता हूं कि शॉर्टकट अपनाने से शॉर्ट सर्किट अवश्य होता है। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थ भरी नीतियों से देश के ईमानदार टैक्स पेयर का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे।